पोलर इक्वेशन इज आर की पावर एन साइन एन थीटा विच इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया। इस इक्वेशन के हमने आइसेंट्रोट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहला स्टेप हमारा पुट आर इक्वल्स टू वन बाई यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। इस इक्वेशन में आर को वन बाई यू से रिप्लेस करने पे हमें मिलेगा वन अपॉन यू रेज टू पावर एन साइन एन थीटा विच इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन, विच इम्प्लाइज यू रेज टू पावर एन को राइट साइड लेके जाएं तो यू रेज टू पावर एन ऊपर आएगा और यहाँ पर ए रेज टू पावर एन नीचे, तो यू रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू साइन एन थीटा अपॉन ए रेज टू पावर एन, विच इम्प्लाइज यू इज इक्वल्स टू टेकिंग nth रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास यहाँ मिलेगा साइन एन थीटा की पावर वन बाई एन। अब यहाँ पर क्योंकि देख ए की पावर एन था और उसकी पावर वन बाई एन करेंगे तो एन से एन कैंसिल होकर यहाँ पर बचेगा सिंपली ए, यू की वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको हमने इक्वेशन सेकेंड नाम दिया। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज एज यू टर्न्स टू जीरो, यू की वैल्यू है कितनी साइन एन थीटा की पावर वन बाई एन अपॉन ए दैट विल टेंड टू जीरो। इसका मतलब है कि जो न्यूमिरेटर है दैट विल टेंड टू जीरो दैट इज साइन एन थीटा की पावर वन बाई एन टेंड्स टू जीरो टेकिंग पावर एन ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर तो एन से एन कैंसिल होगा, जीरो की पावर एन सिंपली जीरो होता है, तो हमारे पास मिलेगा साइन एन थीटा टेंड्स टू जीरो। इसके बाद में दैट इज दिस एंगल दैट इज एन थीटा टेंड्स टू एम पाई वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ से हम थीटा वन को मान सकते हैं, थीटा वन इज इक्वल्स टू एम पाई अपॉन, इस एन को राइट साइड ले आए तो डिवाइड में आएगा एम पाई अपॉन एन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, थीटा वन की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा जो इक्वेशन टू आई था उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट डी यू अपॉन डी थीटा इज इक्वल्स टू, वहाँ पर देखिए नीचे ए कॉन्स्टेंट था तो वन बाई ए हमने बाहर ले लिया। उसके बाद में यहाँ पर टर्म साइन एन थीटा की पावर वन बाई एन, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो पहले पावर नीचे आएगी तो वन बाई एन पावर नीचे आई साइन एन थीटा की पावर वन बाई एन माइनस वन हो गया इंटू अंदर जो टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन करें तो साइन का डिफ्रेंशिएशन रहेगा कोस एन थीटा और एंगल का डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा एन, तो हमारे पास डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई कोस एन थीटा, यहाँ से एन ये कैंसिल तो कोस एन थीटा अपॉन ए इंटू साइन एन थीटा। देखिए यहाँ पर पावर थी वन बाई एन माइनस वन, नीचे जाएगी तो पावर माइनस हो जाएगी माइनस के वन बाई एन माइनस वन, तो यहाँ पर रहेगा वन माइनस वन बाई एन, तो ये पावर कितनी होगी यहाँ पर वन माइनस वन बाई एन, डी यू अपॉन डी थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद में हम निकालते हैं पी की वैल्यू। पी का फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंडिंग टू थीटा वन माइनस डी थीटा अपॉन डी यू विच इज इक्वल्स टू, देखिए लिमिट थीटा टेंडिंग टू थीटा वन की वैल्यू पुट करें एम पाई अपॉन एन वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स, माइनस साइन पहले से है, हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पर डी थीटा अपॉन डी यू की, जबकि हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पर डी यू अपॉन डी थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल करें तो यहाँ पर आएगा ए साइन एन थीटा की पावर वन माइनस वन बाई एन अपॉन कोस एन थीटा विच इम्प्लाइज पी इक्वल्स टू, देखिए थीटा की जो ये वैल्यू थी इसको यहाँ पर रख दें तो माइनस ए इंटू साइन एन इंटू थीटा की वैल्यू है एम पाई अपॉन एन, तो यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा और उसकी होल पावर है वन माइनस वन बाई एन अपॉन कोस एन इंटू थीटा की वैल्यू है एम पाई अपॉन एन, तो एन से एन कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा सिंपली कोस एम पाई वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इसके बाद में विच इम्प्लाइज पी इज इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ पर बच गया साइन एम पाई की पावर वन माइनस वन बाई एन और नीचे बचेगा कोस एम पाई जहाँ पर एम है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद में हम देखें साइन एम पाई है m belongs to integers है, तो अगर हम m की वैल्यू को जीरो रख दें तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा साइन जीरो विच इज इक्वल्स टू जीरो, m की वैल्यू को प्लस वन रखें तो ये हमारे पास मिलेगा साइन पाई विच इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे ही m की वैल्यू को टू रखें तो साइन टू पाई विच इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे ही नेगेटिव टर्म्स रखेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी जीरो जीरो जीरो। साइन m पाई की ओवरऑल में वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ पर जीरो आई, तो हमने यहाँ पर जीरो वैल्यू पुट कर दी, तो माइनस ए इंटू ये टर्म आप छोड़ देना यहाँ पर, तो माइनस ए इंटू जीरो की पावर है
वन माइनस वन बाई एन, तो जीरो की पावर कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म रहेगी तो जीरो ही रहेगा, अपॉन कोस एम पाई। अब कोस एम पाई की वैल्यू क्या होती है वो देखिए, कोस ऑफ एम पाई वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स, हमने एम की वैल्यू को जीरो रखा तो कोस जीरो, कोस जीरो होता है वन, इसके बाद में कोस एम की वैल्यू को वन रखा तो कोस पाई दैट इज माइनस वन होता है, इसके बाद में हम देख सकते हैं कोस टू पाई प्लस वन आएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो कोस एम पाई है दैट इज माइनस वन रेज टू पावर एम, तो यहाँ पर जो नीचे टर्म आएगी दैट विल बी, हम इसको लिख सकते हैं माइनस के ए मल्टीप्लाइड बाई जीरो अपॉन माइनस के वन की पावर एम, तो जीरो मल्टीप्लाइड बाई सम कॉन्स्टेंट, जीरो अपॉन सम कॉन्स्टेंट, और में पी की वैल्यू हमारे पास क्या आई जीरो। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ आइसिमटोट इज गिवन बाई, फॉर्मूला होता है आर साइन थीटा वन माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू पी, विच इम्प्लाइज थीटा वन और पी की वैल्यूज को पुट करें तो यहाँ से आर साइन एम पाई अपॉन एन माइनस थीटा विच इज इक्वल्स टू जीरो वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एम पाई अपॉन एन माइनस थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी जीरो, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल्स टू एम पाई अपॉन एन वेयर एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ आइसिमटोट्स।